राशन लूटो। तो आपको भी हो जाएगी बीमारी, तो मेरा निवेदन है पास पास जन बैठे, दूर दूर पे बैठे, और जितने माता बहने खड़ी है पीछे नीचे बैठ जाए जरा कृपया। और आप सबको आपके स्थान पे सामग्री मिलेगी। ये विषय की हमारे विरोध पूर्व विधायक गुप्ता जी जो आपदा उन्होंने आपदा की कमेटी सदस्य होने के नाते उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए उस कंटेनमेंट एरिया के अंदर करा जहाँ पर 5 लोग मर चुके हैं अभी तक और 60 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और वो एरिया आज भी सील है। उस सील को खोल कर पुलिस प्रशासन को धक्का देकर वहाँ पर जो लगे हुए बैरिकेड वो सब खोल के एक विधान के अंदर प्रोग्राम करा। उस प्रोग्राम विधान के अंदर 2000 महिला इकट्ठा करके 2000 महिला इकट्ठी कैसी हुई ये प्रशासन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उनका जो प्रशासन तंत्र है खुफिया तंत्र है वही फेल हो चुका है और वो आदमी कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार और वो भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का जो धज्जे उड़ाने और आम जनता की जो एक बम फटने वाला है, इस बम को फटने के चक्कर में आज देखिए जो इंदौर नहीं पूरे देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना 4th नंबर आ रहा है इंडिया का और इंदौर का 7वें नंबर पे और ये एक बम फटने की स्थिति हो गई। ऐसे में ऐसा एक जो खराब प्रोग्राम बहुत गलत किया वहां पर महिलाओं को गाली फेंकी गई, महिलाओं कपड़े फटे गए और ऐसा मतलब वो अनाज कहां से आया, लगाने तो अनाज बट रहा था उस अनाज को बांटा और अनाज 70 दिन तक क्यों नहीं बांटा इन अनाज, तो आज अनाज बांट रहे हैं उस अनाज को जो घर में रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घर में अनाज रखा हुआ है, इसका मतलब आज लाखों करोड़ों का जो अनाज है वो अपने घर में रखा हुआ है वो लोग नहीं बांट रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। वो प्रशासन आदरणीय कलेक्टर साहब ने और प्रशासन ने 70 दिन तक लॉकडाउन में पूरा पालन कराया, उस पालन को आज खत्म हो गया। अब इस मरने जो लोग मरेंगे कोरोना पॉजिटिव होंगे इसके जिम्मेदार कौन है, उस एरिया में कराया जिस एरिया में 5 लोग परिवार मर चुके हैं उनको धक्का देते हुए आज ये प्रोग्राम करा गया तो उनके घर पर क्या बीतेगी, और जो 70 दिन अपने घर के अंदर बैठे हुए उन पर क्या बीतेगी, जो पूरे देश नहीं पूरा वर्ल्ड नहीं पूरा इंदौर जो प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करी थी आज उनको धज्जे उड़ा के इसको बम बना दिया गया। आज किस प्रकार का विरोध किया है, मांग क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम ये मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर 170 और 180 धारा लगना चाहिए जो कोरोना पॉजिटिव के अंदर इसके जिम्मेदार कौन है। कल लतूर बाग में कुछ व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम आयोजित करके राशन वितरण किया गया था, तो उसके बारे में जब देखा गया तो वहाँ कोई अनुमति जारी नहीं हुई थी, तो उसमें धारा 144 का उल्लंघन होने से धारा 188 IPC के तहत पठन पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि आयोजनकर्ता जो थे उसमें सुदर्शन गुप्ता जी थे तो उनको उसमें नामित किया गया। नियमों का पालन करना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति बिना सामग्री से नहीं जाएगा। सभी को सामग्री का वितरण किया जाएगा, अपने स्थान से केवल वे ही व्यक्ति उठे जिनका नंबर आता है। सभी नहीं सामग्री के पास से नहीं निकालना, उल्टा करा तुमने, इधर से खाना था उधर रास्ता भी नहीं आ रहा, फिर इधर से बोला तो आने का तो उधर ये रास्ता। सभी पूछ लो अभी रुकवा सकता है व्यवस्था अपना हाथ में, अभी व्यवस्था खराब, कोई भी बिना सामग्री लिए नहीं जाएगा।